Hi friends, today I am very excited to see you. My friends, don't be stingy with your thinking. मेरे दोस्तों, कोई चीज़ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए. कौन कौन सी चीज़ में? सबसे पहले पढ़ाई में, एजुकेशन में. दूसरा है अपनी अच्छी सोच के ऊपर. तीसरा है अच्छी सेहत के ऊपर. चौथा है अच्छे खान पान के ऊपर. तो बोलने का मतलब क्या, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें कंजूसी और ध्यान ना देना हमारे आने वाले समय में गलत हो सकता है. अगर आप पैसे खर्च करने के लिए आगे पीछे हो रहे हो पढ़ाई के लिए, तो सोचिए आज आप अगर करोगे तो आने वाले समय में आप अनपढ़ कहलाओगे. अनपढ़ कहलाना क्या अच्छी बात है, गलत बात है? तो ध्यान दीजिएगा, अपने परिवार के कोई भी सदस्य के लिए आप पढ़ाई के लिए उनको प्रमोट कीजिए और पैसे उनके पर निवेश कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब उनका भविष्य बनेगा, यही पैसा कई गुना ज्यादा बनकर लौट कर आएगा. दोस्तों, अच्छी शिक्षा आज के पीरियड में अगर लेते हैं तो आने वाले समय में उनका भविष्य भी उज्ज्वल होगा और वो पैसा भी चार गुना ज्यादा बना पाएंगे. दोस्तों, ये चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा. दूसरा है अच्छा खान पान. अगर आप अच्छी डाइट यानी अच्छी खाना खान पान करते, अच्छे पदार्थ लेते हैं, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स लेते हैं, तो ऐसे क्या होगा, आपका शरीर अच्छी खुराक लेने से अच्छा हेल्दी रहेगा, ना कि अस्पताल पे आने वाले समय में जाएगा. इसका रीजन है, आज हम कुछ चीजों के बारे में बचत करते हैं, कंजूसी करते हैं, तो वही चीज चार गुना ज्यादा हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर को हमारे फैमिली डॉक्टर बनाना पड़ेगा. तो कैसा रहेगा अगर आज से हम अच्छी चीज खान पान करेंगे तो? बढ़िया रहेगा, राइट. एक्सरसाइज में भी कंजूसी नहीं करना चाहिए. मैं सोता हूँ, लेजनेस नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, नहीं. जब तक सुबह से आप 10 से 15 मिनट नहीं लगाएंगे अपने शरीर को, एक्सरसाइज को, तो आपका शरीर आने वाले समय में बहुत जल्दी आपका साथ छोड़ देगा. आप चाहते हैं आपका शरीर कितने समय तक साथ देना आपका, तो यह तय भी आपके ऊपर करेगा. आज आप डिसाइड करते हो कि मुझे 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करना है, या आधा घंटा करना है, या एक घंटा करना है, डिपेंड आपके ऊपर है. जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, आज के पीरियड में मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आज जो चीज़ें हमको खान पान में मिल रही है वो सही पदार्थ नहीं है. हर जगह पर उस चीज़ के ऊपर कोई ना कोई मिलावट हो रही है खान पान पे. इतना पेस्टिसाइड बढ़ते जा रहा है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, हर चीज़ में मिलावट हो रही है. लोग अपने पैसों की लालच में यह नहीं देख रहे कि सामने वाले के ऊपर इसका आने वाले समय में बैड इफेक्ट पड़ेगा. बट ध्यान देना हमको ज़रूरी है, क्योंकि शरीर हमारा है, हमको साथ लेना है, हमको ज़्यादा जीना है, हमको परिवार को देखना है, परिवार के साथ खुशियाँ बितानी है, उनकी सारी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है उनकी खुशियों के साथ में रहना है. तो सबसे पहले हमें एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों. उसके साथ में हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए दोस्तों. अगर जिस समय हमने हमारी नकारात्मक सोच लाई, तो वहां से हमारा क्या होता, जो ऊपर जाने की जो मात्रा है वो धीरे 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 नीचे आएगी. दोस्तों, हमें दिन प्रतिदिन और हमारे परिवार के साथ में हमको अपग्रेड होना है, ऊपर जाना है. तो उसे क्या करना होगा, हमारी सोच को पॉजिटिव रखना है दोस्तों. हमारे साथ में अगर हमारा परिवार भी अगर पॉजिटिव सोचता है तो कितना सोने पे सुहागा होगा दोस्तों. तो ध्यान रखिए कहाँ पर कंजूसी करना है, कहाँ पर कंजूसी नहीं करना है, कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, ये चीज का भी ज्ञान हमको बहुत जरूरी है दोस्तों. ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारी चीजें हैं. आपको पता होगा, बट इस पे आप अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे पता नहीं. अगर कहीं चूक रहा है कोई चीज, अगर आप अमल करते हो तो आपके साथ साथ आपके आने वाले परिवार का भी भविष्य उज्जवल हो सकता है दोस्तों. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद.